जैन दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग नाजा मंदिर है सब हिटलर में आ जानेंगे, हिटलर राइजेस टू पावर, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने द ग्रेट एयर ऑफ डिप्रेशन, इकोनॉमिक लाइफ और द बर्थ ऑफ ह्यूमन रिपब्लिक, इन सब के ऊपर वीडियो बना दी है। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, नाजा मंदिर, आज हिटलर आप डाल सकते हैं तो आपको मिल जाएगी और आप देख सकते हैं वैसे। तो आज हम जानेंगे हिटलर राइजेस टू पावर कि कैसे हिटलर पावर में आया, मतलब कैसे हिटलर को रिकॉग्निशन मिली। वैसे हम लोग ये जानेंगे कैसे हिटलर लाइमलाइट में आया। तो जैसे कि हमें पता है कि एक इंसान तभी पावर में आता है जब कोई उसके सपोर्ट में हो। जब कोई इंसान आपके सपोर्ट करेगा और वो सपोर्ट इतना ज़्यादा होना चाहिए, सपोर्ट इतना ज़्यादा हो कि लोग आपको भगवान मानने लगे, तो आप कह सकते हो कि हाँ कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बताता है कि आप कितने पावरफुल हो। और सपोर्ट कैसे आता है जनता का सपोर्ट किसी को कैसे मिलता है? जब वो जनता बहुत परेशान हो, जनता बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो, जनता के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो या फिर जनता बहुत सारा परेशान हो अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट को लेके, तो उससे सपोर्ट आता है। और उस सपोर्ट से जिस इंसान को जनता सपोर्ट करती है उस इंसान को कहते हैं हम लोग पावरफुल व्यक्ति। अब कैसे हिटलर को ये पावर मिली आप जान चुके होंगे कैसे, कि पीपल का सपोर्ट, यहाँ पर बेसिकली पीपल सपोर्ट होना चाहिए। पीपल का सपोर्ट कब मिला? जब लोग डिस्ट्रेस थे, बर्डन थे। जब लोगों को डिस्ट्रेस कब थे? एक तो उनकी बेइज्जती हुई जब TTO वर्सन साइन हुई, वो खुश नहीं थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। और तो और जब ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन आया तो और ज़्यादा दुखी हो गए। तो वो सब चीज़ों ने बर्डन आया और हिटलर को लाइमलाइट में लाया। हिटलर की व्यूज़, हिटलर के आइडियाज़ लोगों को पसंद आने लगे कि हाँ कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें एक डिक्टेटरशिप चाहिए। ऐसे लोगों का एक उसने हिटलर ने इस तरफ लोगों को अपनी तरफ बना लिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हिटलर का लाइफस्टाइल शुरू हुआ। सो हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 में हिटलर का जन्म हुआ। और हिटलर का जन्म हुआ कहाँ? जर्मनी में नहीं हुआ। हिटलर का जन्म हुआ था इन ऑस्ट्रिया। मैंने आपको पहले वीडियो में मैप बता चुका है, जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज बता चुकी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पहले वीडियो जाके मेरी। सो हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। अब हिटलर का जो जन्म था वो बहुत ही पॉवर्टी में, उसका जो यूथ यानी कि जब वो एक जवान लड़का था तब वो उसका जो भी जवानी थी वो उसकी पॉवर्टी में निकल गई। उसने गरीबी में अपना पूरा यूथ बिता दिया। फिर जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और कैसे कैसे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोन रीपे करने के लिए सारी गोल्ड आयरन मिल्स बेचनी पड़ी, तो उस सब का हिटलर के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हर एक जर्मन को वो ट्रीटी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग लगी, क्योंकि उनके लिए लगा कि यार ये तो हमारी इज्जत घट गई। ये उनके लिए ये था नाक की बात थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस एक तरह से उनके लिए प्राइड था जर्मन्स के लिए, और हिटलर के लिए भी एक प्राइड की बात थी। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस प्राइड की बात नहीं थी, जो ट्रीटी में साइन किया गया वो प्राइड की बात थी। तो इन सब चीज़ आप देखोगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस साइन हुई और हिटलर का यूथ पॉवर्टी में गुजरा और हिटलर 1889 ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुई तो हिटलर ने इनरोल करा आर्मी में। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर इनरोल्ड इन द आर्मी एंड एक्टेड एज अ मैसेंजर। मैं लिख देता हूँ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही एक्टेड एज अ मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब समझ चुके होंगे इन आर्मी। वो आर्मी में एक मैसेंजर की तरह
काम कर रहा था, एक मैसेज उसे जो मिले उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स को पास कर दिया था। तो इसी के मैंने कहा कि जर्मनी की जो डिफीट थी वर्ल्ड वॉर वन में, फ्रीडम ऑफ सीरियस उसी से आई। तो उसने हिटलर को बहुत डरा दिया, हिटलर उससे बहुत डर गया, मतलब उसके लिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था कि कैसे आपकी जो इज्जत की आता उसे कैसे मतलब वो कर सकते हो। तो उसने क्या करा, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इन 1919 उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करा जिसे कहते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो उसने ये जो ये ग्रुप है जो कि ज्वाइन किया। आप देखो कि जहाँ कहीं भी अपराइजिंग होती है तो स्मॉल स्मॉल ग्रुप बन जाते हैं। यही हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा कि फीमेल्स का भी स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनने लगा। तो वही कुछ स्मॉल स्मॉल ग्रुप जर्मनी में हुए जब अपराइजिंग आई, तो जर्मनी वर्कर्स पार्टी इन 1999 फॉर्म हुई, जो कि लेटर जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि ये देखिए, जब भी कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल those who fight for getting independence they start to attack the government, तो इन्होंने भी वही करा। इन्होंने बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, बवेरिया वहाँ के एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये लोग अटैक करेंगे। तो आप लोग उसको नोट कर लें, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो उसने क्या करा कि उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी। तो इस वर्कर पार्टी ने किसी ने कहा कि गवर्नमेंट को अटैक करने लगते हैं लोग जब भी कोई इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई होती है। तो 1923 में इन्होंने प्लान बनाया टू अटैक बवेरिया। तो इस सिटी को जो भी बर्लिन में अटैक करने का इन्होंने प्लान बनाया, पर वो फेल हो गए। और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब क्या हुआ कि अभी तक तो हिटलर को इतनी लैमिनेट मिली नहीं थी, जैसे उसने ये इंसिडेंट हुआ तब थोड़ी बहुत उसे लैमिनेट मिली होगी, लेकिन लैमिनेट उसे तब मिली जब आया ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो जो ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन है इसने जो कि हिटलर के आइडिया को हर एक जर्मन के मन में घुसेर दिया। उससे क्या हुआ आप देखो कि जब भी एक सीड जो कि शो हो चुका था, क्योंकि इस वक्त पर लोग क्या थे, इस वक्त पर लोग अनएम्प्लॉयड थे। सबसे पहली चीज अनएम्प्लॉयड थे, और दूसरा बैंक जो कि है जितने भी बैंक थे वो कोलैप्स हो गए थे सारे, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। दूसरा क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। तो इन सब चीज़ों जब लोग इन सब चीज़ों से शेयरिंग सीखना, आपको स्टार्टिंग में बताया अगर लोग डिस्ट्रेस होंगे, लोगों के पास कोई परेशानी है, तो जाहिर सी बात है लोग एक लीडर ढूंढने लगेंगे और लीडर को सपोर्ट करने लगेंगे। तो हिटलर ने इसी चीज़ का कह सकते हैं उसने फ़ायदा उठाया, और उसने जो नाजिज़म का जो आइडिया था जो कि बेसिकली जर्मन वर्कर्स पार्टी का था, जर्मन वर्कर्स पार्टी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सेम थॉट हो वही तो एक ग्रुप पार्टी में जाएंगे। तो जो नाजिज्म का आइडिया था वो ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा उसने इम्पैक्ट बनाया, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड थे, बैंक कोलैप्स थे, क्राइम रेट बढ़ गए थे, लोग विल्ले बैठे थे। तो उसी खालीपन में लोगों ने नाजिज्म का आइडिया अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि हाँ कि ये अच्छा है। तब इसका इम्पैक्ट क्यों हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी थी जर्मनी हिटलर अभी तक पावर में नहीं आया था, तो उससे क्या हुआ कि 1928 में आप देखोगे जो जर्मन वर्कर पार्टी है इसमें मिली थी 2.8% वोट। और अब आप देखोगे कि इन 1932 यानी कि जब आपका
ये ग्रेट वॉर ऑफ डिप्रेशन आया तो कितने वोट मिले आप देखो, तब वोट मिले 637%, जो कि तभी उस टाइम के सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स थे। 37% वोट्स मिले थे जर्मन वर्कर्स पार्टी को। तब देख सकते हो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करा नाजिज्म ग्रेट एयर ऑफ डिप्रेशन में। बिफोर ग्रेट एयर ऑफ डिप्रेशन 1928 में 2.8% वोट, 1932 में 37% वोट। तब देखो कितना ज्यादा एक इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट हुआ क्यों, इम्पैक्ट का मेन कॉज क्या था अगर हम लोग वो देखें तो, उसका मेन रीजन है हिटलर की ओरिएटर, हिटलर वॉज अ गुड ओरिएटर, हिटलर की स्पीच देने की स्किल। हिटलर इस तरीके से लोगों को अपने नाजिज्म वाले आइडिया में अडॉप्ट कर लिया जाता था, लोग इतना ज्यादा उसके जो आइडिया है उससे इतना प्रभावित हो जाते थे कि उन्हें लगता था कि जो ये बोल रहा है वो सही है, ये जो आइडिया बोल रहा है वो सही है। तो उसके जो वर्ड्स है उसका, उससे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। और जो इंजस्टिस हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का, हिटलर क्या क्या यूज करता था, ये तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने करा वही हिटलर होता था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हम लोग वापस लेंगे, जो भी ट्रीटी होती है उसे तोड़ेंगे। क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे भी जब के कोई इलेक्शन होते हैं तो देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स कुछ मांग उठाते हैं। ऐसे मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाया, उन्होंने उसकी बात करी, तो जब कभी वो बात करते थे लोग मेस्मराइज हो जाते थे उनकी बातों में। तो उसी तरह हिटलर की जो बातों में भी लोग मेस्मराइज होते थे, क्योंकि हिटलर ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा लाता था, टर्म्स लाता था, प्रोपोगंडा नहीं रहना चाहिए, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होने से एक था जो कि उन जर्मन्स के लिए एक प्राइड की बात थी। उसने प्रॉमिस करा एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो कि क्योंकि लोग ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन में इतना ज़्यादा कह सकते इतना ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए थे कि उसने बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप हमें वोट दो। 37% वोट इसलिए क्यों मिले, क्योंकि लोग माने कि हाँ जो ये बोल रहा है वो सही है। जैसे कि 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाए, स्कीम मतलब वादे करे, उसके बाद उन्होंने कहा कि बैंक्स को रिवाइव करेंगे, और आपने जो कि आर्मी वो भी स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो लोग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का बदला ले सकें। तो अब हिटलर का यहाँ पे मेन जो कि पहचानते थे लोग कैसे हिटलर की पार्टी को, तो वो था कि ये आपका आ सकता है क्वेश्चन कि हिटलर की पार्टी का सिंबल क्या था, वो था रेड फ्लैग विद स्वास्तिक ऑन इट। तो रेड फ्लैग विद स्वास्तिक ऑन इट, इस तरीके से हम लोग जो कि जो हिटलर की पार्टी थी उसे पहचान सकते थे। अब हद यहाँ तो हो गई कि 37% वोट, हिटलर इतना ज्यादा अच्छा था कि लोगों ने उसे एक भगवान का रूप तक दे दिया, एक गॉड का उसे क्रिएचर मान लिया कि हिटलर वॉज सेंट बाय गॉड स्पेशली, उसे सेवियर का नाम देने लगे। क्योंकि लोग परेशान थे, जब भी लोग परेशान होंगे वो अपने लिए एक लीडर ढूंढेंगे, जैसे कि मैंने कहा। तो उसी परेशान स्थिति का हिटलर ने फायदा उठाया, और इतनी ज्यादा उसे मास उसे सपोर्ट मिला कि लोग ने उसे भगवान का रूप तक कह दिया। और हिटलर ने ऐसे ऐसे क्यों कहा, क्योंकि हिटलर ने ऐसे ऐसे वादे करे थे, आगे सकते हैं बैंक सर्वाइव करें, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का बदला लेंगे, आर्मी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से जो कि हिटलर पावर में ऐसी होने लगी, ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन वॉज द टाइम जिसने पूरा हिटलर का खेल बदल दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हिटलर का बॉर्न कब हुआ, हिटलर कहाँ बॉर्न हुआ, हिटलर का यूथ कैसे बीता, वो कैसे जर्मन वर्कर पार्टी में ज्वाइन करा, ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन ने क्या इम्पैक्ट डाला। सो इस वीडियो में हम इतना ही है, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हिटलर ने जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो वीमर रिपब्लिक है, उसे कैसे डिस्ट्रॉय करा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।